जी महात्मा गांधी की सबसे बड़ी समस्या में से एक अंबेडकर भी थे, अंग्रेज तो थे ही थे, उनसे बड़ी समस्या ये है कि यार अंग्रेजों को भेजो ना, समाज क्यों बदल रहे हो। और ध्यान रखना 1936 है, इस समय डॉक्टर अंबेडकर ठीक ठाक पावरफुल हो चुके थे, अच्छी खासी प्रसिद्धि उनको मिल चुकी थी। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक अंबेडकर भी थे, अंग्रेज तो थे ही थे, उनसे बड़ी समस्या ये है कि यार अंग्रेजों को भेजो ना, समाज क्यों बदल रहे हो। और अंबेडकर साफ साफ कह रहे थे कि अगर मुझे अपने हित और देश के हित में चुनना हो तो देश का हित नंबर एक पे है, पर यदि मुझे दलितों के हित और देश के हित में चुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता पे रखूंगा, क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए ऐसे ही तो यहां के सवर्ण हमें छोड़ेंगे नहीं, और दलितों की पराधीनता अंग्रेजों के आने से पहले ज्यादा थी, अंग्रेजों की उपस्थिति के समय कम पराधीनता थी। आपको गुस्सा तो आता होगा अंबेडकर पर कई बार, कह रहे कैसा आदमी था, है ना, लेकिन आप तर्क सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, तर्क अच्छे हैं। और मजे की बात है कि भारत की संविधान सभा में अंबेडकर जितनी पढ़ाई पूरी संविधान सभा में एक भी मेंबर ने नहीं कर रखी थी, केवल एक बी एन राव थे जो एडवाइजर थे, उनके पास ठीक ठाक पढ़ाई थी, उन्हें छोड़ दें, बाकी सब मिट्टी के मतलब पेंदे टाइप के थे, प्यादे थे उनके सामने। पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अंबेडकर साहब का है वो किसी का नहीं। तो कुछ लोग मैंने देखा कि सवर्ण मानसिकता के कुछ लोग अंबेडकर को देशद्रोही घोषित करना चाहते हैं इन्हीं कथनों से कि दलित प्रश्न और देश के प्रश्न में दलितों को प्राथमिकता दूंगा, तो बुरा मान जाते हैं। और उन्हीं से आप पूछो कि अगर हिंदू का प्रश्न हो और देश का प्रश्न हो किसी प्राथमिकता दोगे, तो हिंदू हिंदुस्तान है, मतलब समझते हो, तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान है बोलते हैं, हिंदुस्तान है, मुसलमान तो आए हैं जा भी सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान है। तो अंबेडकर उस समय पावरफुल हो चुके थे, पर अंबेडकर को मैं तो बड़ा सलाम करता हूं इस सेंस में, आमतौर पर वंचित वर्ग में जब कोई पढ़ लिख लेता है ना अपने वर्ग से कन्नी काट लेता है। रिजर्वेशन का सबसे बड़ा दुख ये है, रिजर्वेशन का सुख ये है कि वंचित वर्गों के लोग आने लगे हैं सत्ता में, और जैसे ही एक गांव से एक बच्चा दलित बच्चा आईएएस बनता है ना, पूरा गांव आईएएस बन जाता है। आरक्षण के वित्तीय लाभ केवल उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसको आरक्षण मिला है, पर सामाजिक राजनीतिक लाभ पूरे गांव पूरे कुनबे पूरे कस्बे पूरे शहर को मिलते हैं कि हमारे गांव का चंदू आईएएस बना है, और चंदू वर्ग में मान लीजिए एससी एसटी में आता है, उस दलित जाति के उस गांव के और आसपास के 100 गांव के सब व्यक्तियों के पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। कुछ बिगड़ा चंदू को फोन लगा दिया, चंदू ए चंदू बिटवा देखिए जरा, अब पुलिस वाले ने रोका लाइसेंस के लिए, रुको रुको बात करवाते हैं, ऐसे करके कह रहे किसको फोन करो, चंदू को फोन करो, वैसे छोड़ दो गाड़ी को, आप जाओ जाओ जाओ, आप गाड़ी कैसे भी ले जाओ सिर के ऊपर रख के ले जाओ, कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एक रिजर्वेशन का फायदा ये होता है, आर्थिक फायदा नहीं होता, रिजर्वेशन आर्थिक मामला नहीं है, वो सामाजिक राजनीतिक समतलीकरण का मामला है, उसमें उसको देखना है। और अंबेडकर ने आजकल क्या होता है कि जो बच्चा आईएएस बनता है सबसे पहले कोशिश करता है कि उसकी जाति किसी को पता ना लगे कि वो रिजर्वेशन में है, और बहुत सारे लोग एससी एसटी या ओबीसी से रिजर्वेशन का लाभ लेके अगर आईएएस बनते हैं तो कोशिश करते हैं कि शादी से सवर्ण समाज में हो, क्योंकि आईएएस खुद एक जाति है, उस जाति में शादी कहीं भी हो सकती है, वहां जाति प्रथा बीच में नहीं आती है। ऐसी आईपीएस भी एक जाति है जो आईएएस से नीचे की जाती है लेकिन ठीक ठाक जाती है, वो भी अपने आप में ठीक ठाक जाती है, जैसे आईएएस पति आईपीएस पत्नी, लोग कहेंगे हाँ ठीक है, आईपीएस पति आईएएस पत्नी तो लोग तो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं ठीक है, इस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि आईपीएस नीचे जाती है, आईएएस थोड़ी ऊंची जाती है, और आईआरएस और बाकी सब तो बहुत नीचे जाती हैं, और उसमें जो ग्रुप बी हैं वो तो शूद्र टाइप के माने जाएंगे कि ये तो बहुत ही नीचे के लोग हैं, बेशक यूपीएससी ने सफलता दी हो पर ये तो ये नहीं चलेंगे, इनके 10 नंबर कम आए थे, इनको बाहर करो यहाँ से। एक प्रकार की जाति व्यवस्था वहां भी। तो दलित चेतना जो अंबेडकर की वजह से, अंबेडकर का सम्मान क्यों करना चाहिए कि वो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी चाहते तो वो भी एक शानदार जिंदगी जी सकते थे, उनको मिली रही थी भाई, वो पीसीएस ऑफिसर थे बड़ौदा में, मजाक थोड़ा है, नागपुर में शायद, और जब नागपुर में वो सिविल सेवक बनकर आए, फेलोशिप वहीं से मिली थी पढ़ने के लिए, जब वापस लौटे तो उनको पीसीएस अधिकारी बनाया गया, तो उनको कहा कि आप यहां रहना शुरू कीजिए और काम संभाल लीजिए।
अब ये अम्बेडकर के सामने सबसे बड़ी समस्या, अगर आप उनकी कभी आत्मकथा पढ़ें, मैं कैसे बना, हिंदी अनुवाद उसका ये है, उसमें प्रसंग है कि नागपुर में रहना है उनको, क्योंकि वो ऑफिसर हैं, उनको अपने रहने के लिए कमरा चाहिए या घर चाहिए, ढूंढ रहे हैं पूरे शहर में, कमरा ही नहीं मिल रहा। लोग पहले पूछते हैं जाति कौन सी है, वो बताते हैं कि महार जाति का हूं, तो भाई कमरा नहीं है हमारे पास, हम किसी दलित को कमरा देंगे ही नहीं अपना। ये 1920-30 के दौरान नागपुर शहर की बात है। फिर वो कह रहे कि कई कमरे खारिज होते गए होते गए होते गए, एक और घर में गए, एक कोई दूसरा ऑफिसर था वो दिखा रहा था, दोस्त के रूप में हेल्प कर रहा था, तो वहां मालिक ने पूछा ही नहीं कौन सी जाति के हो, इन्होंने बताया भी नहीं, ढिंडोरा क्यों पीटेंगे, उससे पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं, कमरा मिल गया, रहने लग गए। और फिर वो देखते हैं कि एक दिन अचानक सुबह उठा तो बहुत शोर मचा हुआ था, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, खिड़की से नीचे देखा तो हजारों की भीड़ हाथ में डंडे भाले हथियार लेके खड़ी हुई थी। उनको पता लग गया था कि एक दलित आदमी इस घर में रहता है और वो भीड़ मेरा कत्ल करने के लिए आई थी, और उसके बाद कुछ दोस्तों की मदद से पता नहीं पीछे के दरवाजे से कहां से किसी तरह से उनकी जान बचा के भगाया गया उनको, इस दौर से वो गुजरे थे। ये उसी देश की बात चल रही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा, उसी की बात चल रही है, किसी और देश पाकिस्तान की बात नहीं चल रही है, पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान पेट में था उस समय, अभी हुआ नहीं था, मतलब होने वाला था, अभी नहीं हुआ था, तो उस देश की बात है। और जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते इसलिए थे कि उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, तो थोड़ा सा ठीक स्थितियां थी उनकी, इसे स्कूल में एडमिशन मिल गया। पूरे स्कूल में एक दलित बच्चा था बस, B.R. अम्बेडकर बस, बाकी सब सवर्ण बच्चे थे। अब दलित बच्चा कैसे हैंडल करे, वो पानी पीने जाएगा, पानी को छू देगा, पानी ये पवित्र हो जाता है, उसमें हीलियम आ जाता है हाइड्रोजन की जगह, उसके बाद जैसे दलित बच्चा छूएगा हाइड्रोजन के गुण बदल जाएंगे उस पर। तो एक व्यवस्था थी कि भाई पानी पीने की एक जगह थी सबके लिए, एक अलग से मटका था अम्बेडकर के लिए, अलग से रखते थे दूर, उनको वही पीना है और मटके को हाथ नहीं लगाना है। अब कभी कभी क्या हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि जो आदमी पानी की व्यवस्था करने के लिए तैनात था वो छुट्टी पर चला गया, एक दिन दो दिन आया नहीं, अब इसको प्यास लग रही है, बाकी बच्चों के पास पानी पीने को, इसको पानी पीने को नहीं है। कई ऐसे दिन गुजारे स्कूल में जब उनको पीने को पानी मिलता ही नहीं था। चेतना ऐसे बनती है, ये सब झेलने के बाद बनती है।